Hello everyone. Today we are going to start revision of new topic demand. Well, for SYJC syllabus, this topic is very important. It carries a weightage of 15 marks. The first and foremost thing in this topic revision we have to learn is what is demand? What is the meaning of demand? Demand kya hota hai? Economics kehta hai, demand use kehte hain जो तीन बातें पूरी करेगा. एक इक्वेशन बनेगा D plus A plus W, where D stands for desire, A stands for ability to pay and W stands for willingness to pay. अब अगर हम इसको हिंदी में कहें तो मैं बोलूंगा इच्छा, पैसा और मन. इच्छा, पैसा और मन, desire backed by ability and willingness. मुझे उस चीज की चाह होनी चाहिए कि मैं वो खरीदूंगा, डिजायर. एबिलिटी, मेरे पास उतना पैसा होना चाहिए. एंड विलिंगनेस, मेरा मन हाँ कहना चाहिए कि हाँ मैं ये खरीदने को तैयार हूं. फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक नया मोबाइल फोन खरीदना है, लेट से आईफोन 10. अब मेरे मन में डिजायर जागी कि मेरे पास एक फोन होना चाहिए नया. पैसे भी मेरे पास पड़े हुए हैं और मेरा मन भी कह रहा है यार खरीद ले. जब ये तीनों बातें होगी तो मैं शॉप में जाके वो गुड्स खरीद लूंगा, वो फोन खरीद लूंगा. इन अदर वर्ड, देयर इज अ डिजायर व्हिच इज बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे. व्हेन ऑल दीज थ्री थिंग्स आर प्रेजेंट इन इकोनॉमिक्स, इट विल बी कॉल्ड डिमांड, क्योंकि एक्चुअल बाइंग ऑफ गुड्स हो जाएगी. अगर इनमें से एक भी चीज नहीं होगी तो उसे डिमांड नहीं कहेंगे. लेट अस से फॉर एग्जाम्पल, अ रिच माइजर, करोड़पति कंजूस, डिजायर भी है, एबिलिटी भी है, पर विलिंगनेस नहीं है. अच्छा, एक भिखारी कार खरीदना चाहता है, डिजायर है, विलिंगनेस भी है, पर एबिलिटी नहीं है. इससे साबित होता है कि ऑल दीज थ्री पॉइंट शुड बी सैटिस्फाइड. डिमांड के बारे में और बात करें तो लेट अस सी द फीचर्स हियर. अ मियर डिजायर इज नॉट अ डिमांड. जैसे अभी हम बात कर रहे थे, सिर्फ डिजायर डिमांड नहीं होगा, साथ में हमें चाहिए एबिलिटी और विलिंगनेस. डिमांड मीन्स इफेक्टिव डिमांड, मीन्स एक्चुअल बाइंग ऑफ गुड्स. जब तक एक्चुअल बाइंग ऑफ गुड्स नहीं होगा, वो चीज को डिमांड नहीं कहा जाएगा. डिमांड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस. विदाउट टाइम एंड प्राइस, इफ यू मेंशन, द स्टेटमेंट विल बी इनकम्प्लीट एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न. समझो मैं कहता हूं डिमांड फॉर पोटेटो इज 1000 kg. ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, क्योंकि 1000 kg क्या प्राइस पर और क्या टाइम पर, वो तुमने नहीं बताया. अगर मैं कहता हूं 20 rupees पर kg एट द रेट ऑफ 20 rupees पर kg इन द मंथ ऑफ समझो डिसम्बर, देन इट बिकम्स अ लॉजिकल एंड करेक्ट स्टेटमेंट. और सबसे बड़ी बात, प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड. प्राइस जब ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, और प्राइस जब कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी. इनका रिलेशन इनवर्स है. मोर द प्राइस, लेस द डिमांड, लेस द प्राइस, मोर द डिमांड. ओके, फाइन. तो ये था वॉट इज डिमांड. अब हम जानना चाहेंगे सेकेंड क्वेश्चन में, What are the determinants of demand? First, let us understand the question properly. ये question ये कह रहा है, कौन से ऐसे factors हैं जो demand को influence करते हैं? ऐसे कौन से factors हैं जो demand को प्रभावित करते हैं? Well, the fact is there are many, 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 many factors. कोई एक नहीं है, 10 नहीं है, 50 हो सकते हैं. But let us talk about some of them जो as per हमारे syllabus relevant है. एंड वो फैक्टर के साथ डिमांड का क्या रिलेशन है, ये भी हम जानना चाहेंगे. लेट अस सी द फर्स्ट पॉइंट, प्राइस. वेल, एज वी हैव जस्ट टॉक, प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा. इसका मतलब प्राइस और डिमांड का रिलेशन है इनवर्स. मोर इज डिमांडेड एट अ लोअर प्राइस एंड लेस इज डिमांडेड एट अ हायर प्राइस. तो रिलेशन है इनवर्स, वो भी मैंने लिख दिया है. सेकेंड पॉइंट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. बी वेरी केयरफुल हियर. पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं. एक गुड्स की जगह अगर दूसरे गुड्स से हमारा काम चल सके तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कहेंगे. जैसे लेट अस से फॉर एग्जांपल, कोल, ये क्या नाम है अपना, टूथपेस्ट ले लो. चलो, कोलगेट एंड पेप्सोडेंट आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, क्योंकि एक की जगह दूसरे से काम चल सकता है. अब लेट अस से कोलगेट का प्राइस बढ़ जाता है. अब जब कोलगेट का प्राइस बढ़ जाता है तो इसका मतलब कोलगेट कंपैरेटिवली पेप्सोडेंट से एक्सपेंसिव हो गया. लेट मी जस्ट टेल यू फर्स्ट, के मान के चलो कि पहले कोलगेट और पेप्सोडेंट दोनों का प्राइस एक ही था. अब कोलगेट महंगा हो गया है, लेकिन हमारा
पेप्सोडेंट अभी भी वही भाव पे है। अब होगा ये कि पेप्सोडेंट की डिमांड को क्या होगा, ये मैं पूछ रहा हूं। वेल आंसर ये है कि अब सब्स्टिट्यूट के हिसाब से देखें तो कोलगेट हैज बिकम एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू पेप्सोडेंट। तो इसका मतलब अब ज्यादा लोग पेप्सोडेंट खरीदेंगे, इसका मतलब पेप्सोडेंट की डिमांड बढ़ जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, व्हेन प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड राइजेस द डिमांड फॉर अदर सब्स्टिट्यूट गुड ऑल्सो राइजेस। एक सब्स्टिट्यूट का डिमांड ज्यादा दूसरे सॉरी एक सब्स्टिट्यूट का प्राइस ज्यादा दूसरे सब्स्टिट्यूट का डिमांड ज्यादा, एंड सेम एंगल से एक सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम तो दूसरे सब्स्टिट्यूट का डिमांड कम। जैसे अगर कोलगेट सस्ता हो जाता है तो अब पेप्सोडेंट वाले कुछ लोग कोलगेट खरीदने आ जाएंगे, तो इसका मतलब पेप्सोडेंट की डिमांड कम हो जाएगी। पेप्सोडेंट की डिमांड कम होने का कारण पेप्सोडेंट का प्राइस नहीं था, वो तो उतना ही था, प्राइस कोलगेट का था। जब कोलगेट का प्राइस कम हो गया तो पेप्सोडेंट की डिमांड कम हो गई। इसका मतलब रिलेशन डायरेक्ट है, व्हेन प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड राइजेस द डिमांड फॉर अदर सब्स्टिट्यूट गुड ऑल्सो राइजेस, व्हेन प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड फॉल्स द डिमांड फॉर अदर सब्स्टिट्यूट ऑल्सो फॉल्स। वेरी गुड, नाउ लेट अस टॉक अबाउट थर्ड फैक्टर, डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहले मैं बताना चाहूंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। इकोनॉमिक्स कहता है व्हेन टू और मोर गुड्स आर नीडेड टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट, सच गुड्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक आर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इस पॉइंट को गौर से देखें, वर्ड है डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यहां प्राइस की कोई बात नहीं कर रहा है, डिमांड की बात कर रहे हैं। वो एग्जाम्पल से मैं बताता हूं, एकदम सिंपल करते हैं, डिमांड और डिमांड की बात करेंगे। अगर कार की डिमांड ज्यादा तो पेट्रोल की डिमांड ज्यादा, बिकॉज जब कार और बिकेगी, कार लोग और खरीदेंगे तो उतना पेट्रोल भी तो चाहिए। तो डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, व्हेन डिमांड फॉर वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड राइजेस द डिमांड फॉर अदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड ऑल्सो राइजेस। वेरी गुड, इनकम, इनकम मतलब पैसा। अगर आपके पास पैसा है, परचेसिंग पावर है, तो यू आर गोइंग टू बाय मोर बिकॉज यू लाइक टू फुलफिल योर वॉन्ट्स। सीधी बात करते हैं, इनकम ज्यादा डिमांड ज्यादा, इनकम कम डिमांड कम। ये DIR जो लिखा है, इट मींस इट इज हैविंग अ डायरेक्ट रिलेशन। इफ आई टेल यू वी विल सी इन मेजोरिटी ऑफ द पॉइंट्स यू विल हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप एक्सेप्ट फॉर प्राइस वेयर आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशन। टेस्ट प्रेफरेंस फैशन, अगर कोई इंसान को एक पर्टिकुलर टेस्ट प्रेफरेंस या फैशन है कोई चीज का, तो उस चीज की डिमांड ज्यादा होगी, और टेस्ट प्रेफरेंस फैशन कम है तो कम होगी। लाइक यंगस्टर्स प्रेफर जीन्स, यंगस्टर्स प्रेफर स्पोर्ट्स शूज, तो उनकी डिमांड ज्यादा है। दे डोंट लाइक टू वेयर कोल्हापुरी चप्पल, दे डोंट लाइक टू वेयर धोतीस, तो उनकी डिमांड कम है। यूटिलिटी, वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर, अगर एक पर्टिकुलर कमोडिटी की यूटिलिटी ज्यादा है तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, कम है तो कम होगी। क्वांटिटी ऑफ मनी, लेट अस से दिवाली के टाइम पे बोनस वगैरह लोगों को मिलता है, या लॉटरी लग गई, या कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो गए हैं, तो वो आदमी की क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ जाती है, परचेजिंग पावर बढ़ जाता है, तो ही विल बी रेडी टू बाय मोर, वो अपनी ख्वाहिश तमन्ना पूरी करेगा। क्वांटिटी ऑफ मनी ज्यादा, डिमांड ज्यादा, क्वांटिटी ऑफ मनी कम, डिमांड कम। पॉपुलेशन ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, इट्स सो सिंपल, पॉपुलेशन कम तो डिमांड कम। यहां थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, अगर फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाला है तो डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लेट अस से गोल्ड की प्राइस की बात करते हैं, 30,000 है लेट अस से फॉर 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। अब प्राइस 32 होने वाला है, दिवाली नजदीक आ रही है लेट अस से, और प्राइस बढ़ के 32 होने वाला है, प्राइस बढ़ने वाला है। अगर प्राइस बढ़ने वाला है तो 30,000 के भाव पर लोग ज्यादा खरीदना चाहेंगे, क्योंकि पता है कि कल 2,000 बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब फ्यूचर प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू राइज, द करंट डिमांड विल ऑल्सो राइज। अच्छा, फ्यूचर प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू फॉल, द करंट डिमांड विल ऑल्सो फॉल। एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, बिकॉज पीपल विल नो टू कम टू नो अबाउट द प्रोडक्ट डायरेक्टली। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब मनी सप्लाई या मनी किस तरीके से डिवाइड है इकोनॉमी में। अगर लेट अस से इनइक्वालिटी ऑफ इनकम ज्यादा है, अमीर बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब है, दिस इज इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अमीरों ने लगभग सब कुछ खरीद लिया है,
गरीबों के पास खरीदने को पैसा नहीं है, तो ओवरऑल मार्केट डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर अनइवन है तो मार्केट डिमांड कम होगी, मतलब रिलेशन आपका होगा इनवर्स, तो इनवर्स रिलेशन होगा। फाइन, तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स। प्राइस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम, टेस्ट प्रेफरेंस फैशन, यूटिलिटी, क्वांटिटी ऑफ मनी, पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। वेरी नाइस। नाउ लेट अस नाउ कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ डिमांड। इकोनॉमिक्स में लॉज होते हैं, इकोनॉमिक लॉज दिखाते हैं रिलेशन बिटवीन टू इकोनॉमिक फिनोमेना। दिस लॉ इज गिवन बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। इट एक्सप्लेन्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। यह लॉ हमें समझाता है प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। लेट अस टॉक अबाउट द लॉ। व्हेन यू डू अ पर्टिकुलर लॉ यू हैव टू रिमेंबर फोर थिंग्स, स्टेटमेंट, शेड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन। ये लॉ जैसे मैंने कहा प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है उनकी बुक्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। वेल लेट अस सी प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं, यह आपको वर्ड टू वर्ड बाय हार्ट होना चाहिए। Every law starts with the phrase other things being equal. Remember that. So I'll say like this. Other things being equal, the higher the price of the commodity, smaller is the quantity demanded. And lower the price of the commodity, larger is the quantity demanded. Iska matlab, more is demanded at a lower price and less is demanded at a higher price. Iska matlab, price and demand are inversely related. Let us try to see a schedule. It can be called a market demand schedule. Here we price of orange, lete hai, 2, 3, 4, 5, 6. And this is your samne demand. Hai. What can you see here is, when price 2 is, then demand 60 is. Price is increasing, you can see that demand is slowly reducing. This is showing inverse relation between price and demand. More is demanded at a lower price and less is demanded at a higher price. Let us try to visualize the diagram. ये diagram को हम जरा देखना चाहेंगे। Let us say, मैं ये आपको diagram बना के दिखाता हूं। Let us say, for example, this is your x-axis, this is your y-axis. Here will take price and here will take quantity demand. Let us say, as we know, the prices are 2, 3, 4, 5, 6. The demand 5, 15, 30, 45 and 60. उसी को कर रहा हूं मैं। अब प्राइस जब 2 है तो हम जानते हैं कि डिमांड 60 यूनिट्स है, तो मैं इसे यहां इसके साथ जोड़ रहा हूं। प्राइस जब बढ़ रहा है 3 तो डिमांड कम होकर 45 हो रही है। प्राइस और ज्यादा 4 हो गया है तो 30 हो गई है, 5 हो गया है तो 15 हो गई है, 6 हो गया है तो 5 हो गई है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहा है डिमांड कम होती जा रही है। ये हमें जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, लेट अस से पॉइंट्स को ए बी सी डी आप बोल सकते हैं। इन पॉइंट्स को जैसे ही मैं आप हम सब ज्वाइन कर देते हैं, ये तो मेरा एक रफ में बन रहा है, आप फेयर में बनाएंगे इसको, तो अब ये जो लाइन मुझे मिल रही है इसका मैं नाम दूंगा डिमांड कर्व। ये हमारी बनती है डिमांड कर्व। इसके बारे में चार खास बातें हैं, वी हैव टू रिमेंबर फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस। द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट हैज अ नेगेटिव स्लोप, नीचे की तरफ आ रही है। It shows inverse relation between price and quantity demanded, and it is drawn on the basis of market demand schedule. ये चार खास बातें हम यहां note कर सकते हैं। Very good. So जब भी आप law करेंगे चार बातें याद रखेंगे, statement, schedule, diagram, explanation. Very good. Now let us talk about a new question, assumptions of the law of demand. इस question का आपको पहले logic समझना है, तो ध्यान से सुनिए। हम अच्छी तरह जानते हैं कि डिमांड बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड है, वी नो दिस वेरी वेल। हम ये भी जानते हैं कि प्राइस और डिमांड का रिलेशन इनवर्स है, प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। यू कैन सी दिस, क्या रिलेशन है, इनवर्स, मोर द प्राइस लेस द डिमांड, लेस द प्राइस मोर द डिमांड, ये आपका लॉ ऑफ डिमांड चल रहा है। पर सोचो अगर प्राइस ज्यादा हो और डिमांड ज्यादा हो, प्राइस कम हो और डिमांड कम हो, ये तो लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा। इट इज अगेंस्ट द लॉ, इज नॉट ऑपरेटिंग, इट इज वर्किंग इन द अपोजिट डायरेक्शन।
बट अल्फ्रेड मार्शल चाहते हैं कि लॉ चले, तो इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। हम जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड किसके साथ हमारा रिलेशन दिखाता है, इनवर्स प्राइस के साथ। हम ये भी जानते हैं कि डिमांड बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे डिपेंड है, पॉपुलेशन, इनकम, टेस्ट प्रेफरेंस, फैशन, यूटिलिटी, क्वांटिटी ऑफ मनी और बहुत सारे। अब हम लॉ ऑफ डिमांड का रिलेशन प्राइस से दिखाना चाहते हैं, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये जितने अदर फैक्टर्स हैं ये चेंज नहीं हो रहे हैं। अगर ये फैक्टर्स चेंज होते हैं तो डिमांड बढ़ेगा इवन एट अ हायर प्राइस, डिमांड कम होगा इवन एट अ लोअर प्राइस, जो हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारा हीरो प्राइस है। तो हम क्या करेंगे, ये जो अदर फैक्टर्स हैं इनके आगे हम वर्ड लिख देंगे नो चेंज। मैं अभी प्रूव करके दिखाता हूं। एग्जांपल, पॉपुलेशन ज्यादा तो डिमांड ज्यादा इवन एट अ हायर प्राइस, ये तो लॉ के अगेंस्ट हो गया ना। पॉपुलेशन बढ़ रही है, अनाज की डिमांड बढ़ रही है, यू नो दैट, इवन एट अ हायर प्राइस। थोड़ी ना फूड ग्रेन सस्ते हो गए, महंगे हैं, बट लोग खरीद रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि हम रिलेशन सिर्फ प्राइस के साथ दिखाना चाहते हैं, हम अदर फैक्टर्स को डोमिनेट नहीं करना चाहते हैं, नहीं करने देना चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम सबके आगे वर्ड लिखेंगे नो चेंज। तो ये आंसर आपका डिटर्मिनेंट वाला ही आंसर होगा, बस आपको ये याद रखना है कि मुझे सबके आगे वर्ड क्या डालना है, नो चेंज, क्योंकि मेरा हीरो कौन, प्राइस, मेरा सुपरस्टार कौन, प्राइस, तो मैं किसी को और चेंज होने दूंगा ही नहीं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं, मार्शल कहते हैं कि अदर फैक्टर्स सब सेम रहते हैं, जैसे पॉपुलेशन वगैरह, क्योंकि अगर वो चेंज होते हैं तो मोर विल बी डिमांडेड इवन एट अ हायर प्राइस और लेस विल बी डिमांडेड इवन एट अ लोअर प्राइस, जो हम नहीं चाहते, इसलिए हम सबके आगे वर्ड लिखेंगे नो चेंज और बाकी पॉइंट सेम है। लेट मी से वन ऑफ द पॉइंट, उनमें ही आपको सब में सेम पॉइंट लिखना है, नो चेंज इन पॉपुलेशन। It is assumed that there is no change in population. If there is change in population, the demand may rise even at a higher price, or the demand may fall even at a lower price. So we assume that there is no change in population. Same आप income और बाकी points के लिए भी लिखेंगे। Income ज्यादा, demand ज्यादा, even at a higher price. Income कम, डिमांड कम, इवन एट अ लोअर प्राइस। तो सेम पॉइंट्स होंगे, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सबके आगे आपको वर्ड लिखना है नो चेंज। थैंक यू वेरी मच। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब हम एक नया आंसर करना चाहेंगे जिसको हम कहेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। वेल, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शंस? एज वी नो, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, और ह्यूमन बिहेवियर कभी प्रेडिक्टेबल नहीं है। ह्यूमन बिहेवियर एक अजीब, अलग अलग चीजें हमें दिखाते रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल, हम लोग कॉकरोच नहीं खाते, बट मैंने सुना है थाईलैंड, बैंकॉक में लोग कॉकरोच बहुत शौक से खाते हैं, कुक कर करके खाते हैं, मजे ले लेके खाते हैं। ये भी तो एक ह्यूमन बिहेवियर हुआ। यहां एक्सेप्शन में मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं बताना चाहूंगा। हम अच्छी तरह जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन दिखाता है, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा डिमांड कम, ये आपका लॉ चल रहा है। लेकिन जरा सोचिए, प्राइस ज्यादा डिमांड ज्यादा, प्राइस कम डिमांड कम, ये तो लॉ नहीं चल रहा। बट इकोनॉमिक्स मानता है कि ऐसी सीन होते हैं, ऐसे केसेस होते हैं, और मार्शल कहते हैं कि उन्हीं को कहते हैं एक्सेप्शंस, वही तो एक्सेप्शंस है। तो लेट अस टॉक अबाउट एक्सेप्शंस, जहां लॉ उल्टा चलेगा, मोर विल बी डिमांडेड एट अ हायर प्राइस एंड लेस विल बी डिमांडेड एट अ लोअर प्राइस। इसका हम एक कोडवर्ड बना सकते हैं, पिगी, हिमाचल, देहरादून, पी जी आई आई ई, पिगी, एच फॉर हिमाचल, डी फॉर देहरादून, जस्ट अ कोडवर्ड। नाउ लेट सी पिगी हिमाचल देहरादून किस तरीके से काम करेगा। पी जी आई आई ई एच डी, पिगी एच डी भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द पॉइंट प्रेस्टिजियस गुड्स। प्रेस्टिजियस गुड्स आर परचेज बाय रिच पीपल टू जस्ट शो ऑफ देयर वेल्थ, डायमंड्स, जेम्स, पर्ल्स, दे बाय मोर इवन एट अ हायर प्राइस। तो ये एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड हुआ, ये ह्यूमन बिहेवियर है, उनको शो ऑफ करना है, गोल्ड डायमंड दिखाना है। ओके,
गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? लो क्वालिटी गुड्स. ये एक्सप्लेन किया गया था सर रॉबर्ट गिफिन ने आयरलैंड 19th सेंचुरी में. उनका नाम रॉबर्ट गिफिन था, उनका सरनेम गिफिन था, तो नाम गिफिन गुड्स और इंफीरियर गुड्स कह सकते हैं. ये हमें बता रहा है कि इंफीरियर गुड्स में ह्यूमन बिहेवियर कैसे होता है. लेट्स इमेजिन दिस. लेट अस से टू टाइप्स ऑफ ब्रेड आर बीइंग सोल्ड इन अ बेकरी, इंफीरियर क्वालिटी एंड सुपीरियर क्वालिटी. इंफीरियर का प्राइस देखें 3 रुपीज है और सुपीरियर का प्राइस है 4 रुपीज. वो ये देखें 4 रुपीज, इंफीरियर का 3 रुपीज. गरीब आदमी के पास 12 रुपीज है, लेट्स इमेजिन, एंड ही वॉन्ट्स 4 ब्रेड्स टू ईट. तो वो 3 रुपीज वाले 4 ब्रेड खाएगा, क्योंकि 12 रुपीज है उसके पास, तो 3 × 4 = 12. सुपीरियर के उसको पसंद तो है, पैसे नहीं है उसके पास, तो सुपीरियर नहीं खा रहा है. अब लेट अस इमेजिन कि इंफीरियर ब्रेड का प्राइस 3 रुपीज के 2 रुपीज हो गया है और सुपीरियर का प्राइस अभी भी 4 रुपीज है. अब खास बात देखिए क्या होगा, ह्यूमन बिहेवियर देखिए. जब इंफीरियर ब्रेड का प्राइस 3 रुपीज से 2 रुपीज हो जाएगा, मतलब प्राइस कम हो जाएगा, तो वो इंसान जो 4 ब्रेड खरीदता था अब सिर्फ 2 ब्रेड खरीद रहा है. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई. जब इंफीरियर गुड्स का प्राइस कम होता है तो वो इंसान का पैसा जो है थोड़ा सेव हो जाता है, बच जाता है आई विल से, और वो जो बचा हुआ पैसा है वो यूज करेगा टू बाय सुपीरियर गुड्स, क्योंकि वो इंफीरियर से परेशान हो गया, थक गया है, पक गया है, क्या यार इंफीरियर कितना खाऊंगा मैं. तो वो पैसा जो उसका सेव हो रहा है वो यूज करेगा सुपीरियर में. तो यहां हम देख सकते हैं कि वो जो पैसा उसका बच गया है उसने सुपीरियर में यूज किया है. तो इसका मतलब मेन पॉइंट ये मैं कहना चाह रहा हूं, जब इंफीरियर का प्राइस गिर गया है 3 रुपए से 2 रुपया, डिमांड भी कम हो गई है 4 ब्रेड्स टू 2 ब्रेड्स, अब वो 2 सुपीरियर और 2 इंफीरियर खा रहा है. देखो चेक करते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 4 + 8 = ₹12. सो द पॉइंट टू बी नोटेड इज व्हेन प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड फॉल्स द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड ऑल्सो फॉल्स. दैट्स इट. अच्छा आगे बढ़ते हैं. इल्यूजन. इल्यूजन का मतलब एक बिलीफ. एक इंसान के दिमाग में एक बिलीफ होती है, एक सोच होती है. लाइक मेनी पीपल बिलीव इन क्वालिटी, क्वालिटी बेबी क्वालिटी, दे विल बाय मोर इवन एट अ हायर प्राइस और दे विल बाय लेस इवन एट अ लोअर प्राइस, क्योंकि वो क्वालिटी में विश्वास रखते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ बिलीव इन गुड क्वालिटी गुड्स, आई विल टू बाय मोर इवन एट अ हायर प्राइस. आई विल गो फॉर ब्रांडेड क्लोथ्स, आई विल गो फॉर रेमंड्स क्लोथ्स. आई नो इट इज एक्सपेंसिव बट आई नो द क्वालिटी इज टू गुड, इट इज वेरी जेन्युइन, इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी कंफर्टेबल. आई मे बी रेडी टू बाय मोर इवन एट अ हायर प्राइस. इग्नोरेंस, ये पॉइंट क्या है? देखो अगर स्मॉल राइज इन प्राइस होती है तो मेनी टाइम्स कंज्यूमर स्मॉल राइज इन प्राइस को इग्नोर करते हैं एंड दे बाय द सेम कमोडिटी इवन एट अ हायर प्राइस. आई से सेम कमोडिटी इवन एट अ हायर प्राइस. तो ये भी एक एक्सेप्शन हुआ, क्योंकि प्राइस बढ़ा पर डिमांड कम नहीं हुआ. आई विल गिव अ एग्जांपल फॉर यू. लेट अस सी द प्राइस ऑफ शुगर इज 30 रुपीज पर केजी. अब ये जो शुगर का प्राइस है वो 31 हो गया है, 1 रुपया प्राइस बढ़ गया है. अब मैं कहता हूं 1 रुपया प्राइस बढ़ गया है तो क्या इसका मतलब आप शुगर खाना बंद कर देंगे, यूज करना बंद कर देंगे, चीनी यूज करना बंद कर देंगे, चाय बनाओगे शक्कर नहीं डालोगे? ऐसा थोड़ी ना होता है. तो आप इग्नोर कर दोगे, छोड़ यार 1 रुपया बढ़ता है, अभी समझने वाली बात है, अब इतना टेंशन क्या को लेने का. एंड यू विल बाय द सेम कमोडिटी सेम क्वांटिटी इवन एट अ हायर प्राइस. दैट्स इग्नोरेंस. एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस. अगर फ्यूचर प्राइस आगे और बढ़ने वाला है तो करंट डिमांड बढ़ेगी इवन एट अ हायर प्राइस. आई प्रूव दिस बाय एग्जांपल. वो मैं गोल्ड वाली बात कर रहा था. लेट अस से गोल्ड का प्राइस है 30,000 रुपीज फॉर 10 ग्राम्स. लेट अस से क्वांटिटी डिमांडेड है, चलो ठीक है, पूरे मार्केट की डिमांड लेते हैं, समझो 1,000 ग्राम्स एक एग्जांपल है. अब 32 हो गई है, दिवाली नजदीक है और दिवाली पे हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि 35 हो जाएगी. फ्यूचर प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू राइज फर्दर, और बढ़ेगा 32 से 35. आज 32 है, 2-3 दिन में दिवाली है, 35 होने वाला है. 32,000 होने के बावजूद कुछ लोग अभी से गोल्ड खरीद के रख लेंगे, दे विल बी रेडी टू बाय मोर, देखो 1200 ग्राम्स इवन एट अ हायर प्राइस. द लॉजिक इज सिंपल बिकॉज बाद में और पड़ेगा. नाउ यू सी दिस, 30 का 32 हो गया है बट डिमांड 1000 का 1200 हो गया है. द डिमांड इज राइजिंग इवन एट अ हायर प्राइस बिकॉज द फ्यूचर प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू राइज फर्दर. सिमिलरली फ्यूचर प्राइस अगर कम होने वाला है तो करंट डिमांड विल फॉल इवन एट अ लोअर प्राइस. वेरी गुड.
habituated goods or habits. Many goods are such are purchased because of habits, जैसे cigarette, दारू वगैरह. ये जो habituated goods है वो उनको लत लग गई है. They will be ready to buy more even at a higher price. तो हो गया ना exception, जहां law of demand उल्टा चल रहा है. Demonstration effect, ये क्या है मैं बताता हूं. Many a time middle class people also try to imitate the rich class. भाई इसके पास है तो मैं भी खरीदूंगा. Like youngsters में देखा जाता है कि they are ready to spend more money on mobiles. Their family income is not too much, their saving is not too much, but they want 30-40 thousand का मोबाइल मेरे पास होना चाहिए. क्यों? मेरे कॉलेज में मेरे दोस्त के पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है. They will force their parents, whatever, but they will be ready to buy. They will buy that thing at any cost, जैसा बोला जाए तो. They are ready to buy more even at a higher price. This is demonstration effect. In all these cases, what I want to say to you is that कि demand बढ़ रही है even at a higher price, या demand कम हो रही है even at a lower price. This is called demonstration effect. अच्छा, अब हम जानना चाहेंगे new answer. एक बहुत ही बढ़िया answer आएगा हमारे सामने. Extension in demand और contraction demand. इसके हम short note भी लिख लेंगे और distinguish भी देख लेंगे. सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा extension in demand क्या होता है. एक economics concept है. हम अच्छी तरह जानते हैं price और demand का relation inverse है. हम जानते हैं price ज्यादा तो demand कम. जब price कम हो गया है, price ज्यादा demand कम, let me complete that first. और price कम तो demand ज्यादा, सही बात है. ये दूसरा sentence सुनो, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, बस इसी को हम कहेंगे एक्सटेंशन. व्हेन डिमांड राइजेस बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस, डिमांड बढ़ने का कारण है फॉल इन प्राइस. याद है ना, अदर थिंग बीइंग इक्वल, क्वांटिटी डिमांड राइजेस विद अ फॉल इन प्राइस. लेकिन साथ ही साथ एक और कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, इंक्रीज इन डिमांड. ये एक नया कॉन्सेप्ट है. इंक्रीज इन डिमांड जब कहा जाता है, जब डिमांड बढ़ता है ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस. डिमांड बढ़ने का कारण फैक्टर्स अदर देन प्राइस है, कोई और फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रहा है. जैसे हम सब जानते हैं, वी ऑल नो दैट डिमांड डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर. तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ रहा है, इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ रहा है, तो उसको आप कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड. डिमांड राइजेस बिकॉज ऑफ फैक्टर अदर देन प्राइस. डिमांड बढ़ने का कारण कोई और है, कोई और, कोई और, कोई और, हाय रब्बा, चाहे वो कोई भी फैक्टर हो. वेल, वो तो ठीक है. अब हम इस आंसर को अच्छी तरह समझना चाहेंगे. पहला पॉइंट मैंने अभी आपको समझाया, डिमांड बढ़ने का कारण फॉलिंग प्राइस है. यहां डिमांड बढ़ने का कारण अदर देन प्राइस है. यहां हम कहेंगे मोर इज डिमांडेड एट अ लोअर प्राइस, ज्यादा डिमांड बढ़ गई है क्योंकि प्राइस कम हुआ है. यहां हम कहेंगे मोर इज डिमांडेड द सेम प्राइस and more is demanded at a higher price. वो मैं डायग्राम में प्रूव करूंगा. मोर इज डिमांडेड द सेम प्राइस एंड मोर इज डिमांडेड एट अ हायर प्राइस. यहां पे हम मूव करेंगे ऑन द सेम डिमांड कर्व टुवर्ड्स द राइट डाउनवर्ड. यहां हम शिफ्ट करेंगे ऑन अ न्यू डिमांड कर्व टुवर्ड्स द राइट. ये दोनों हम डायग्राम में समझेंगे. लेट अस सी द डायग्राम हियर. डायग्राम को ध्यान से देखते हैं, हम इसको बना के बताते हैं. लेट अस से लेट्स टॉक अबाउट एक्सटेंशन इन डिमांड का डायग्राम. यहां मैं एक्सटेंशन डिमांड का डायग्राम बना के दिखाता हूं. एक्सटेंशन डिमांड, जस्ट हैव अ लुक. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस हाउ यू शुड ड्रॉ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. लेट द ओरिजिनल प्राइस बी ओ ए एंड लेट द ओरिजिनल डिमांड बी ओ एम. प्राइस फॉल्स फ्रॉम ओ ए टू ओ बी, डिमांड राइजेस फ्रॉम ओ एम टू ओ एन. ये आपका पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये आपकी डिमांड कर्व. आप देख रहे हो कि आप मूव कर रहे हो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑन अ न्यू डिमांड कर्व टुवर्ड्स द राइट डाउनवर्ड. दिस इज व्हाट आई वांट टू से. अच्छा, अब मैं बनाऊंगा एक बहुत ही खतरनाक डायग्राम, इंक्रीज इन डिमांड. इस पे ध्यान देना बराबर से. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. इसका एक तरीका है बनाने का, यू कैन ड्रॉ अलोंग विथ मी. लेट द प्राइस बी ओ ए, लेट द डिमांड बी ओ एम. Let the original price be A and let the demand curve be DT. Yeh original. Now more is demanded at the same price and more is demanded at a higher price. Yeh main prove karke bataunga. Let's see. Price abhi bhi OA hai. Yaad hai na, factors other than price. Demand aapki badh gayi hai OM se,
आप OQ तक पहुंच गए हो, नया पॉइंट आपको मिला है B, मोर इज डिमांड एट द सेम प्राइस, प्राइस उतना ही है बट डिमांड बढ़ गई है। अच्छा मान के चलो चीज का प्राइस बढ़ जाता है, बट फिर भी इंक्रीज इन डिमांड के कॉन्सेप्ट में अदर फैक्टर इतना डोमिनेटिंग है कि आई विल से, ध्यान से सुनिए, मोर इज डिमांड एट अ हायर प्राइस। द सेकेंड पार्ट, मोर इज डिमांड एट अ हायर प्राइस, प्राइस को बढ़ा देते हैं ओ ए से ओ बी, डिमांड फिर भी बढ़ रही है लेट अस से ओ एम से ओ एल। अब मैं पॉइंट बना रहा हूं सी, इनको जोड़ रहा हूं डी वन डी वन, मैं देख रहा हूं कि हम शिफ्ट हो रहे हैं जैसे ए से बी या ए से सी बोल सकते हैं, ऑन अ न्यू डिमांड कर्व टुवर्ड्स द राइट। तो ये है इंक्रीज इन डिमांड। तो प्लीज ट्राई दिस डायग्राम अगेन विथ मी, यू कैन रिवाइंड एंड अगेन चेक इट एंड मेक दिस डायग्राम वंस अगेन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। वेल, अगर आप एक्सटेंशन इन डिमांड समझे हो तो कॉन्ट्रैक्शन समझ जाओगे। लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट क्या था, डिमांड राइजेस ड्यू टू फॉल इन प्राइस, और दूसरा पॉइंट क्या था, डिमांड फॉल्स ड्यू टू राइज इन प्राइस। तो अगर डिमांड गिरता है प्राइस के बढ़ने की वजह से तो उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, डिमांड फॉल्स ड्यू टू राइज इन प्राइस। मतलब प्राइस बढ़ना ही डिमांड गिरने का एकलौता कारण है। इसी एंगल, इसी लॉजिक से हम डिक्रीज, इंक्रीज की लॉजिक से डिक्रीज को जानना चाहेंगे। हमने कहा था डिमांड किसी और वजह से बढ़ता है तो इंक्रीज है, तो सेम वे अगर डिमांड किसी और वजह से गिरता है तो वो डिक्रीज है। डिक्रीज इन डिमांड मींस डिमांड फॉल्स ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, डिमांड गिरने का कारण कोई अदर फैक्टर है, उसे हम कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड। वेल, फर्स्ट पॉइंट तो मैंने कह दिया, सेकेंड कहूंगा मैं कॉन्ट्रैक्शन मींस लेस इज डिमांडेड एट अ हायर प्राइस, डिक्रीज लेस इज डिमांडेड द सेम प्राइस एंड लेस इज डिमांडेड अ लोअर प्राइस, अदर फैक्टर इतना डोमिनेट कर रहा है। यहां पे हम मूव होंगे ऑन द सेम डिमांड कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट, और यहां पर हम शिफ्ट होंगे ऑन अ न्यू डिमांड कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट, जो थोड़ी देर में हम प्रूव करेंगे डायग्राम से। एंड लेट अस हैव अ लुक एट द डायग्राम। वेल, ये डायग्राम हम आपको हम लोग इसको बना के देखते हैं। लेट्स मेक इट इन आर बुक और पेपर इफ यू हैव दैट। लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन टू यू कॉन्ट्रैक्शन। देखिए, अभी मैंने इंक्रीज बनाया था तो कॉन्ट्रैक्शन आप डायरेक्ट समझ पाएंगे। ओरिजिनल प्राइस ओ ए है, ओरिजिनल डिमांड ओ एम है, प्राइस आपका ओ ए से ओ बी बढ़ गया है, डिमांड ओ एम से ओ एल कम हो गई है। ये आपने ज्वाइन कर लिया है, पहले आप एम पे थे अब एल पे आ गए हैं, आप मूव कर रहे हैं, डिमांड का वो तो नेगेटिव स्लोप है बट मूव कर रहे हैं ए से बी, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ओके फाइन, मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, ओ ए ओ एम आपका प्राइस बढ़ गया है ओ ए से ओ बी, ये देखो प्राइस ऊपर गया, आपकी डिमांड कम हो गई है ओ एम से ओ एन, ये आपकी डिमांड कब है ए और बी, ये मूवमेंट है टुवर्ड्स द लेफ्ट। फाइन, अभी इंक्रीज का डायग्राम देखेंगे, सॉरी डिक्रीज का डायग्राम देखेंगे ध्यान से। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, ओ ए ओ एम, ओरिजिनल पॉइंट ए, ओरिजिनल डिमांड कर्व डी डी। अब यहां मैं दो पॉइंट बताऊंगा, लेस इज डिमांडेड द सेम प्राइस एंड लेस इज डिमांडेड अ लोअर प्राइस। प्राइस हमारा अभी भी ओ ए है, ये देखिए, बट डिमांड गिर गई है ओ एम से ओ के, नया पॉइंट है बी, लेस इज डिमांडेड एट अ लोअर प्राइस, प्राइस आपका गिर गया है ओ ए से ओ बी, डिमांड कम हो गई है ओ एम से ओ एल, नया पॉइंट है सी, ये आपने जोड़ दिया डी वन डी वन, आप शिफ्ट हो रहे हो न्यू डिमांड कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट। आई रिपीट, लेस इज डिमांडेड द सेम प्राइस एंड लेस इज डिमांड एट अ लोअर प्राइस, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। अच्छा, इन्हीं को हमें नाम देंगे वेरिएशन और चेंज। ध्यान से सुनना, यू विल आस्क मी सर व्हाट इज वेरिएशन इन डिमांड एंड व्हाट इज चेंज इन डिमांड, वेरिएशन इन डिमांड चेंज इन डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड मीन्स डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इसके दो रूप है, एक्सटेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन डिमांड।
Change in demand is demand changes due to factors other than price. Other than price. इसके दो बेटे हैं, increase in demand और decrease in demand, जो हम पहले सीख चुके हैं. In other words, आप extension और contraction तो together नाम दोगे variation और increase और decrease को दोगे change. तो extension और contraction moment दिखाते हैं, increase और decrease shift दिखाते हैं. ये same demand को पे दिखाते हैं, ये new पे. इनका कारण price है, इनका कारण other than price है. Very good. Let us have a look at some more distinguish. Desire बहुत ही simple है. एक wish होती है और demand, as we have already talked, desire, ability or willingness. Desire psychological concept है, demand economic concept है. Desire तो मन की सोच है, लेकिन demand एक economics का concept है. Desire का price से कोई relation नहीं है, because it's just a thought, it's just a thinking. But demand का price से inverse relation है. Desire किसी factor पे depend नहीं है, it's a mental thinking. Demand is depend upon many factor, as we know, population, income, etc. Let us talk one more very simple one. Individual demand and market demand. जब मैं एक buyer की demand बात करता हूँ, तो उसको हम कहते हैं individual demand. और जब हम all the buyers की बात करते हैं, तो उसे कहते हैं market demand. Individual demand और market demand का एक schedule हमने बना के रखा है यहाँ पर. You can see that figures. Market demand में ज़्यादा figures, बड़े figures use करेंगे. Individual demand helps consumer to decide level of consumption. मैं कितना consume करूँगा. Market demand helps producer to decide level of production. Individual demand is a study of microeconomics, study of parts, and market demand is a study of macroeconomics. Very nice. Let us now come to a question called as types of demand. इसका code word मैंने बनाया है जस्सी दीदी चालाक. JCDDC. जस्सी दीदी चालाक. J joint demand. Composite, derived, direct, competitive. Let us talk about them. When two or more goods are demanded to satisfy single want, they are called having joint demand. Pen and ink, car and petrol, composite. जब एक गुड से हम कई wants पूरी करेंगे, तो composite demand. Steel, iron, coal, derived. जब एक commodity की demand दूसरे commodity से आती है, तो उस commodity की demand को derived कहते हैं. Like demand for cement is derived from demand for houses. Direct demand, when the commodity is consumed directly to satisfy the want. भूख लगी खाना खाया. Competitive demand means demand between two substitutes. Last but not the least, why does demand curve slopes downward? ये हम जानना चाहेंगे. Why does demand curve slopes downward? Well, let's have a look. Simla, इसका code word मैंने बनाया है Simla. Point ऊपर नीचे कर सकते हैं हम. SIMLA. S stands for substitution effect. सब्स्टिट्यूट जब चीपर हो जाता है तो डेफिनेटली उसकी डिमांड बढ़ेगी एट अ लोअर प्राइस. इनकम इफेक्ट, इफ यू हैव मोर इनकम यू विल बी रेडी टू बाय मोर एट अ लोअर प्राइस. कमोडिटी हैज मल्टीपर्पस यूज, यू विल बाय मोर एट अ लोअर प्राइस. एंड लॉ ऑफ डीएमयू, अगर उस चीज की यूटिलिटी ज्यादा है तो यू विल बाय मोर एट अ लोअर प्राइस. दैट्स अ वेरी सिंपल आंसर, नथिंग ग्रेट अबाउट दैट. लेट्स टॉक अबाउट सम एग्री डिसएग्री. ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड. यस आई एग्री, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड. साथ में एबिलिटी विलिंगनेस होना चाहिए. यू हैव टू राइट द सेम आंसर हियर. प्राइस इज द सोल डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड. नो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं. देयर आर नो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. नो, देयर आर मेनी एक्सेप्शंस. वी हैव टॉक्ड दैट अबाउट दैट. डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यस, स्टेटमेंट शेड्यूल डायग्राम. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिमांड. जस्सी दीदी चालाक. दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक. थैंक यू वेरी मच.